हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम हरियाणा के अब तक सभी गवर्नर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनका कार्यकाल, उनके इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। अभी हरियाणा के 17th गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं बंदारू दत्तात्रेय। बंदारू दत्तात्रेय हरियाणा के 17th गवर्नर नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मूल रूप से आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना है, के रहने वाले हैं, और 2019 तक ये सिकंदराबाद लोकसभा सीट से एमपी थे। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन सिकंदराबाद की, यह हैदराबाद और सिकंदराबाद इकट्ठे ही हैं। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2014 से 17 के बीच, इंडिपेंडेंट चार्ज। और इससे पहले जो गवर्नर थे सत्यदेव नारायण आर्या, ये नए गवर्नर बनाए गए हैं त्रिपुरा के। ये आप देख सकते हैं त्रिपुरा की लोकेशन। और इनका कार्यकाल रहा 2 साल 10 महीने और 12 दिन। ये आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2018 से 6 जुलाई 2021 तक। अब हम आर्टिकल्स देखते हैं जो गवर्नर से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 153, देयर शैल बी अ गवर्नर, एक गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट का। आर्टिकल 154, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के अंदर निहित होगी, और शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर या तो खुद एक्सरसाइज कर सकता है या फिर किसी ऑफिसर्स को दे सकता है जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसको, आर्टिकल 154 के तहत। आर्टिकल 155 में, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, तो जो गवर्नर है स्टेट का वो अपॉइंटेड किया जाएगा प्रेजिडेंट के द्वारा, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और आर्टिकल 161 में पार्डन पावर आती है, पार्डनिंग पावर, गवर्नर के पास पावर है कि वो सजा को कम कर सकता है, तो ये आर्टिकल 161 के तहत आती है। अब फर्स्ट गवर्नर देखते हैं हरियाणा के, धर्मवीरा। इनका जन्म बिजनौर में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो इनको 1999 में मिला था। और इनका कार्यकाल है 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। फिर है बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये सेकंड गवर्नर रहे हरियाणा के, और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा इनका एज अ गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक ये गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, 8 साल 6 महीने और 11 दिन तक, 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक। फिर है रणजीत सिंह नरूला, ये थर्ड गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, और इनका कार्यकाल है 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976 तक। और 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, ये उस कमेटी का हिस्सा थे, नरूला कमेटी, जो कि 1994 में बनाई गई थी, और इन्हीं ने रिकमेंड किया था कि केसेज रजिस्टर हो अगेंस्ट एचकेएल भगत, सज्जन कुमार एंड जगदीश टाइटलर। तो इन तीनों के खिलाफ इन्होंने रिकमेंड किया था कि इनके खिलाफ 1984 के दंगों में केस दर्ज हो। जय सुखलाल हाथी, ये फोर्थ गवर्नर थे हरियाणा के, ये गुजरात से थे, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है एज इट हैपन्ड। ये 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक रहे। फिर है फिफ्थ गवर्नर हरियाणा के, हरचरण सिंह बरार, ये पंजाब बोर्न है, और ये 13 चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के, तो ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हरियाणा के गवर्नर रहे हैं। फिर है सुरजीत सिंह सांधेवालिया, ये सिक्स्थ गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, इनका जन्म पंजाब में हुआ था, और ये चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, और ये एक्टिंग गवर्नर भी रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा के। इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है 2 मंथ 17 दिन तक, आफ्टर ओपी वर्मा के बाद।
ओपी वर्मा जो हैं सिर्फ 5 दिन के लिए गवर्नर का कार्यकाल संभाला था इन्होंने। जो 7th गवर्नर रहे हरियाणा के, उनका नाम था गणपत राव देवजी तापसे। उनका कार्यकाल है 80 से 84 के बीच, और इन्होंने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया था 1940 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिया था 1942 में। फिर है SMH बर्नी, ये 8th गवर्नर रहे हरियाणा के, और ये चेयरमैन भी रहे हैं नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के, और ये एक IAS ऑफिसर रहे हैं। ये चांसलर भी रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। इनका टेन्योर दे सकते हैं, लगभग 4 साल रहे हैं। फिर है हरी आनंद बरारी, ये 9th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, और ये IB ऑफिसर थे। फिर है धानिक लाल मंडल, ये 10th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, ये बिहार से थे, और इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी जो उनके अंडर ये कार्यकाल संभाला था इन्होंने 2 साल के लिए, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है इनका एज अ गवर्नर ऑफ हरियाणा। ये 5 साल 4 महीने और 6 दिन तक हरियाणा के गवर्नर रहे हैं। महावीर प्रसाद 11th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, उनका कार्यकाल 1995 से 2000 के बीच था 5 साल के लिए, और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के और एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ के। फिर है बाबू परमानंद, ये 12th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, और इनका जन्म हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है ओम प्रकाश वर्मा, इनको जो राजभवन है हरियाणा का, इनको गवर्नर नहीं मानती है, ये एडिशनल इंचार्ज रहा है इनको सिर्फ 5 दिन के लिए, तो हरियाणा के सिर्फ 17th गवर्नर रहे हैं आज तक, और ये चीफ जस्टिस रहे हैं केरला हाई कोर्ट के, और चेयरमैन रहे हैं हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के, और लोकायुक्त भी रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के। AR किदवई, ये 13th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको पब्लिक अफेयर में मिला था 2011 में, और ये केमिस्ट और पॉलिटिशियन रहे हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने PhD की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA से, और ये चांसलर भी रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। फिर है जगन्नाथ पहाड़िया, ये 14th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, इनका जन्म हुआ था राजस्थान में, और ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं राजस्थान के, और ये पहले दलित चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के 1980 में। फिर है प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, ये 15th गवर्नर रहे हरियाणा के, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, इनका कार्यकाल है 2014 से 18 के बीच। फिर है सत्यदेव नारायण आर्य, ये 16th गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, उनका जन्म हुआ था नालंदा बिहार में, इनका कार्यकाल है 2 साल 10 महीने और 12 दिन, और इस वक्त ये त्रिपुरा के गवर्नर बनाए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नर्स ऑफ हरियाणा। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।